के सारे नहा रहे हैं, अभी सबको अंदर साइड लेके चलेंगे, अंदर साइड से रिकॉर्ड करके आएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, आप सबका स्वागत है मैं स्ट्रक व्लॉग में। सो गाइस, कैसे हो सारे के सारे, आई होप सारे ठीक ही होंगे। सो गाइस, जैसे कि जानते हो कि कल हम लोग लकड़ी लोडिंग करने आए थे, पर लकड़ी लोडिंग अपने गाड़ी में हो नहीं पाया, उसके वजह ना हम लोग घूम लिए बढ़िया, इधर पूरा एरिया घूम लिए। इधर में ना तामड़ घुमड़ इस साइड में, और इस साइड में तामड़ घुमड़ का सेकंड हिस्सा है, उसका कुछ दूसरा नाम है। दो पॉइंट घूमे, काफ़ी तगड़ा तगड़ा घूमे, दोनों को एडिट करने में मैं बैठा हुआ, एडिट करके उसको डालूंगा, देखना क्या बेस्ट लोकेशन है। मतलब जगदलपुर से तो काफ़ी सारे लोग, हमारे दोस्त यार भाई लोग सारे आ चुके होंगे, बट बाहर के लोग जो है भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक जाते हैं, वो हमारे बस्तर में आके देखो भाई कितने सारे वाटरफॉल, कितने सारे घूमने वाले जगह, दिल झरने पहाड़ी, जो कि ना भाई लोग खर्चा करके इसके लिए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर दूर। तो डियर गाइस, एक सेकंड चेक करो, पहले तो ये व्यू कल वाली ही व्यू है, ये अपनी गाड़ी लगी हुई है, अब देखते हैं अपनी गाड़ी को ना कब तक लगाते हैं। और ये देखो, ये अपने छोटे छोटे बच्चे गाँव के, इन लोग लेके जा रहे हैं मेरे को घूमने, चलो जाके आते हैं घूम के। तो गाइस देख रहे हो ना, इन लोग भी मेरा कंटेंट बनवाने जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं इन लोग, कब से मेरे को फोर्स करते हैं। इधर मंदिर वगैरह है, लोकेशन भी सही दिख रहा है, मैं कल से सोच रहा था ना कि भाई इधर घूमने जाऊंगा। बाकी इधर का देखो, ये पूरा मक्का खेती वगैरह किए हैं, इधर सामने में लास्ट वगैरह में ना गेहूँ खेती वगैरह किए हैं। हाँ ऐसी किए हैं क्या, और बता किधर लेके जाएगा घुमाने मेरे को, बढ़िया जगह बोलना सर, वहाँ मत बोलना, बढ़िया, चल जाते हैं घूमने। भाई घूमने आ चुका भाई साहब, मतलब मैं क्या बताऊँ, सुबह सुबह गांव का नज़ारा देख के ना और नेचर देख के ना भाई साहब, तुम्हारे भाई के एकदम से दिल खुश हो गया भाई। खुद ही चेक करो ना, एक सेकंड मैं चेक करा था भाई, सुबह का टाइम है अभी, ये देखो पूरी खुली एरिया, खुला पहाड़ी, मतलब समझ रहे हो ना, इधर नदी झरने सब, मतलब गाँव के साइड में इधर ग्राउंड टाइप का, मतलब काफ़ी बड़ा सही दिख रहा है भाई। मतलब सुबह के टाइम में इधर चलने से ना भाई एक अलग लेवल की शरीर को ना एनर्जी मिल रही है, मतलब ना भाई। सो गाइस, अभी उस लोकेशन में फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच गया है, जिस लोकेशन में ये बच्चे लोग लेके आ रहे हैं अपने को, अब सामने सामने चल रहा है, यहाँ से ना थोड़ी सी नीचे उतरनी है अपने को डीप में, समझ रहे हो। तो चलते हैं भाई, इन लोगों का काम है, इन लोग मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हो। वो भाई साहब इधर भी गहरा है, लेकिन गहराई में इधर अपन उतर सकते हैं भाई, ये देखो मतलब ये बच्चे लोग ना भाई गहराई में बिना डरे वरे उतर जा रहे थे नीचे में, देखो जो कि ना काफ़ी गहरा है मेरे व्लॉग, सॉरी नीचे में देखो काफ़ी गहरा है, मेरे कैमरे में ना कम आ रहा है, क्योंकि जानते हो भाई मेरा गोप्रो है, अपने हिसाब से लेता है भाई, जो ज़्यादा दूर रहेगा ना उसको ज़्यादा पास दिखा देगा, और जो ज़्यादा पास रहेगा ना उसको अति दूर दिखा देगा, जो कि तुम सही से देख ही नहीं पाओगे। बट कोई बात नहीं गाइस, कुछ टाइम का और बात है, तुम्हारा भाई अपडेट करने वाला है जल्दी से जल्दी अपना कैमरा। सो गाइस, फाइनली तुम्हारा भाई उतरना ही स्टार्ट कर दिया, ये देखो पीछे में कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, इसको ना एकदम प्रेम से उतरना है भाई, प्यार मोहब्बत के साथ, नहीं तो वैसे भी बारिश की टाइम में देख रहे हो पत्थर वगैरह सारे के सारे गीले हैं, तो अपन भी इधर गिर सकते हैं, गिरने का चांस बन सकता है। इधर ना थोड़ा पानी का ना साउंड ज़्यादा ही आ रहा है, तो नॉइज़ का प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना, चलो छोटू। बाकी देखो इधर से अपन उतर के आए, इतना ऊपर से भाई कितनी ज़्यादा डेंजर पहाड़ी है, बाकी इधर से चेक करो, इधर से अपन ना उतरते हुए नीचे जाएंगे। बच्चे लोग ना नहाना स्टार्ट कर दिए, ये देखो सारे के सारे नहा रहे हैं, अभी सबको अंदर साइड लेके चलेंगे, अंदर साइड से रिकॉर्ड करके आएंगे। बाकी ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को देखते रहो, उधर देखो एक भैया भी नहा रहे हैं, उधर कौन नहा रहे हैं, अलग वाले भैया। सो गाइस, बाकी ब्लॉग में बने रहो, तुम्हारा भाई आज का ब्लॉग क्या फाड़ बनाने वाला है भाई, तुम कहाँ ही जाओगे भाई इतना दूर दूर घूमने, आओ ना हमारे बस्तर में घूमते हैं भाई, घुमाते भी है भाई, आओ ना सस्ते में हो जाएगा सब कुछ। सो गाइस, अभी तुम्हारा भाई जा रहा है एक नंबर लोकेशन में, नदी यही वाली है, पर थोड़ी आगे से जा रहे हैं, जहाँ से भाई बढ़िया व्यू दिखेगा वहाँ से दिखाएंगे। बाकी भाई मैन द आइलैंड अपन भी बन चुके हैं भाई, देख रहे हो ना झाड़ी पहाड़ी कहीं भी खोदरा खोदरी निकाल रहे हैं, जिधर से रास्ता नहीं है उधर उधर से पत्थर वत्थर पार करते हुए जा रहे हैं। तो ठीक है गाइस,
ये सारे बच्चे लोग लेके आए हैं। और इन लोग ये देखो यहाँ पे क्या मस्त झरना पहाड़ी से पानी गिर रहा है, ऊपर में भी काफ़ी जगह है, ऊपर भी चाहे तो चढ़ सकते हैं, यहाँ से चढ़ने का रास्ता भी है। तो गाइस देख रहे हो ना तुम्हारा भाई जंगलों में कितना तगड़ा तगड़ा व्यू ले मतलब सॉरी ब्लॉग लेके आ रहा, सपोर्ट गाइस सपोर्ट। ये देखो ऊपर से ना बस पहाड़ी है, ऊपर जाके बैठ भी सकते हैं, बैठने के लिए बढ़िया जगह स्पेस है वहाँ पे, वहाँ से पानी गिर रहा है मस्त नीचे जा रहा है, और ये पानी नीचे नीचे मिलते मिलते सीधा नदी में जा रहा है। तो ठीक है और भी आगे का व्यू दिखाते हैं, बाकी ब्लॉग में बने रहो। तो गाइस अभी इधर का तो हो गया, आप नीचे के साइड जा रहे हैं, देखो अपने छोटे भाई लोग नीचे के साइड अपने को लेके चल रहे हैं, बच्चे लोग जो भी है गांव के, भाई गांव के लोग काफ़ी अच्छे हैं बिना कोई स्वार्थ को। मैं इनको एक बार बोला चले क्या घूमने, तो इन लोग मेरे को घुमाने लेके आए, हाँ भैया हमारे गाँव में तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह है, चलो हम लोग घुमाते हैं आपको। पहला दिन तो इन लोग शर्म आ रहा था, इन लोग शर्म की वजह से मेरे से बात नहीं कर रहे थे, पर दूसरा दिन से तुम्हारा भाई इनको एकदम फ्रेंड बना लिया, फ्रेंकली हो गया, समझ रहे हो। तो देखो एक जगह और लेके आए हैं, काफ़ी तगड़ा जगह है, यहाँ पे थोड़ी सी शूट वगैरह करते हैं, सिनेमैटिक दिखाते हैं, फिर इस चीज़ के बारे में बताते हैं। बाकी ये देखो भाई साहब, देखो भाई ये लोकेशन देखो भाई साहब क्या स्पीड में पानी गिर रहा पड़ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना पैर के नीचे काफी ज्यादा फिसलन है, थोड़ा सा भी मिस्टेक भाई सीधा ना एकदम भाई इधर लेके चल देगा, मतलब ज्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, पर पत्थर में गिरोगे यहाँ पे वहां तक तो घसड़ाते जाओगे, पानी का इतना ज्यादा दबाव है तो भाई थोड़ी बहुत तो चोट लगी जाएगी। तो ठीक है गाइस, बाकी ये चेक करो, ये भी व्यू मेरे को कई सही लगा, जोरदार लगा। अब चलते हैं सामने मंदिर है, मंदिर में दर्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है फाइनली मंदिर में, गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है फाइनली मंदिर में, चलते हैं मंदिर का दर्शन करने। और एक सेकंड मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँ भाई, इधर का व्यू देखो भाई, इधर में ना देखो इधर कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, पूरा इधर पानी वगैरह गिर रहा है, इधर से ये रही मंदिर। और भाई मंदिर में भी दर्शन करने चलते हैं, भोलेनाथ जी की मंदिर है जो कि पहाड़ों के अंदर काफ़ी तगड़ी है भाई। और इधर का व्यू देखो भाई, मतलब कि ना जो बंदा नहीं जानता होगा ना उसको, वो भाई कल्पना भी नहीं कर सकता कि भाई अंदर में मंदिर होगा नदी के अंदर में भाई, मतलब दोनों साइड से पैक है, इधर सामने से कहीं से भी आने का जगह नहीं है, नदी नदी होके उधर आगे से आ रहे हैं अपन, नदी नदी होके तो अपने को मंदिर मिला। तो भाई बस्तर के अंदर कितनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें देख रहे हो ना भाई, इससे भी खतरनाक है, बट मैं उन चीज़ों को शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कंप्लीट सामान नहीं है, उन चीज़ों को मैं शूट करूँगा जब मेरे पास कंप्लीट सामान आ जाएगा। भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ बस्तर की सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करके रख दूंगा, मतलब जो लोग देखेंगे ना भाई बोलेंगे गोवा मनाली ये वो फलाना ढिमकाना से, तो बेटर बस्तर है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ घूमने चलते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले ना इसके अंदर चल के दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, ये रहा मंदिर, काफ़ी ज़्यादा प्यारा मंदिर है, मतलब भोलेनाथ जी की मूर्ति है और काली जी की मूर्ति है, और उधर भी है थोड़ी सी, मतलब कि यहाँ से देखो मतलब मंदिर के बालकनी से ना काफ़ी तगड़ा चीज़ दिखता है, गेट भी खुल जाता है, यहाँ देखो पूरा व्यू आ रहा है, प्लस पानी वानी गिर रहे हैं ना सारे आ रहे हैं यहाँ पे, सारे भगवान देवी देवताओं का, हमारे जितने भी हिंदू देवी देव हिंदू धर्म के देवी देवता होते हैं, भोलेनाथ जी काली जी यहाँ पे नंदी जी सब लोगों का यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है, यहाँ पे बढ़िया लोग आते हैं पूजा करने, बट भाई यहाँ नदी के अंदर ना बहुत कम ही लोग आते हैं पूजा करने, ना भाई औरत लोग आते हैं यहाँ, आते सब आते हैं। तो भाई देख रहे हो गांव वाले कितने ज़्यादा डेंजर होते हैं, किसी से नहीं डरते, सारे के सारे आते हैं। तो ये रहा मंदिर भाई नदी के बीच में, दोनों साइड का पहले व्यू दिखा दूँ, इधर का व्यू चेक करिए, पूरा पहाड़ी के अंदर नदी के बीचों बीच में, और पहाड़ी कितना ऊंचा है ये देखो, नीचे आने के लिए समय लगेगा। और सेकंड साइडिंग ये चेक कर लो, दोनों साइड मंदिर के गेट खुले हुए हैं व्यू लेने के लिए, तो सेकंड साइड ये चेक करो, इधर में ना ऐसा टाइप का कुछ व्यू आ रहा है, समझ रहे हो गाइस, काफ़ी तगड़ा व्यू आ रहा है। और सामने का जो साइड है जिस दरबार से हम लोग घुसे मंदिर के साइड से, तो ये देखो ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो गाइस देख रहे हो कितना तगड़ा हमारा बस्तर है, और हमारे बस्तर के जो भी है देवी देवता धार्मिक स्थान कितना मस्त मस्त जगह पे बना हुआ है, ये सब छोड़ के आप कहीं कहीं और जाते हो घूमने मत जाया करो भाई, हमारे यहाँ बस्तर में घूमने आओ, सपोर्ट करो बस्तर को। कहा
चुका है भाई, किस लोकेशन में आ चुका है। यहाँ से देखो ये रही अपनी मंदिर, ये मंदिर का व्यू जो कि ऊपर से पानी आ रहा है काफी ज्यादा तगड़ा दिख रहा है। और यहाँ से देखो, यहाँ से ना भाई निकलता है ना पानी, यहाँ से क्या व्यू आ रहा है जो कि नीचे गिरता है। और गांव वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पे दुधिया नाग रहता है इसके अंदर में। ये जो कुंड है ना भाई, कुंड ये दुधिया नाग का है, ठीक है। यहाँ भगवान के जो भी दुधिया नाग होते हैं वो इस कुंड के अंदर रहते हैं। तो बच्चे लोग तो मेरे को यहाँ से लेके आए, बट इससे आगे ले जाने के लिए मेरे को मना कर रहे हैं इस साइड में, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमने किसी गाँव वाले को इससे आगे जाते हुए नहीं देखा है, या फिर किसी भी लोग को इससे आगे नहीं जाते हुए देखा है, क्योंकि गाँव वालों को हमेशा यही बात करते हुए सुने हैं कि इस कुंड में दुधिया नाग रहता है, तो यहाँ से आगे नहीं जाते हैं, इससे बैक हो जाते हैं अपन। तो भाई जो यहाँ के लोग हैं वो लोकल लोग मना कर रहे हैं, तो हमारी क्या ही हिम्मत होगी कि हम भाई कहीं भी जहाँ पे जाना अलाउ नहीं है वहाँ पे जाए। तो ठीक है, बाकी यहाँ तक का लास्ट दिखा सकते हैं, वो मंदिर है भाई जो है दर्शन करेगा भाई मेरे को टैग करेगा आके, मेरे वीडियो के थ्रू जो आगे इस मंदिर का दर्शन करेगा वो मेरे को टैग करेगा। लोकेशन पे पहुंच चुका जहाँ दिखाना चाहता था, मतलब मंदिर सबसे ज्यादा मेन था, पर इधर से इधर खाड़ी खाड़ी पहाड़ी पहाड़ी पत्थर पत्थर निकलते हुए जा रहे हैं भाई, कितना ज्यादा डेंजर हो रहा है देख रहे हो ना। पहले के इधर से लोग भी मतलब नहीं जाते हैं, जो भी गांव के बच्चे होते हैं ना जिद्दी वाले हमारे टाइप के, वो इधर जबरदस्ती घर वालों को मना करने के बावजूद भी आ जाते हैं खेलने घूमने। तो देख रहे हो गाइस ये अपना ये व्यू आ रहा, तो चल के वो वाली व्यू को दिखाते हैं। इधर से पहाड़ी पत्थर से होते हुए निकल रहे हैं भाई साहब, इतना डेंजर है ना, मतलब कि डर लग जा रहा है एकदम से। देख रहे हो मैं चप्पल भी नहीं पहना हूँ, मेरा चप्पल छोटू को दे दिया हूँ पहनने, क्योंकि इन लोग गांव वाले इन लोगों को चलने का एक्सपीरियंस है, इधर नहीं गिरेंगे और मैं गिर जाऊँगा चप्पल के साथ में। देखो छोटू लोग को मैं आगे भेज दिया हूँ, उन लोग भाई एकदम ऊपर है भाई, दिख रहा ना एकदम बाहुबली वाला सीन जो झरना झील दिखता था। तो भाई काफी तगड़ा है, मेरा बैटरी 1% चार्ज है, तो मैं फटाफट जितना एडिट में चाहिए उतना ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी चलते हैं ऊपर में भाई लोग के पास, चल के मिलते हैं। ऊपर में यहाँ पे देखो ये वाली डैम है जहाँ पे छोटू लोग नहाना स्टार्ट किए थे डैम के उस साइड में। बाकी ये वाली झरना है, ये वाली पहाड़ी है, और इधर से नीचे गए थे काफ़ी आगे मंदिर है, मतलब क्या यहाँ से आधा 1 किलोमीटर के आगे नदी के अंदर ऐसी खाड़ी में नीचे उतरते जाओगे उतरते जाओगे उतरते जाओगे, तो आगे जाके आधा 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे आपको ये वाली मंदिर मिल जाएगी, जो कि मंदिर काफ़ी प्यारा है। अकेले आने की ट्राई मत करना, वहाँ पे थोड़ी सी डर वगैरह भी लगेगी आपको, क्योंकि इधर ज़्यादा गाँव वाले रहते नहीं हैं, आज मैं इनको बुला के लेके आया। तो भाई यहाँ से उतरते उतरते नीचे जाओगे, ऐसे नीचे 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 जाते जाओगे आगे आपको मंदिर मिलेगा, तो आके दर्शन करो और मांगो अपनी मन्नत और पूरी करो गाइस। मिलते हैं चल के गाड़ी के पास, समय हो गया, चलते हैं, बैटरी बैठ गया, मिलते हैं फिर ब्लॉग में, बने रहो ब्लॉग को देखते रहो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है।